हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप घर पे सेफ हो गए और हेल्दी होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया। बेल आइकन को ऑल पे हिट कर दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे और हम मूवी मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आई हूँ इसी मियाँ की परफ्यूम, एंड दिस इज लॉ दिस ए पॉर्न होम, एंड इसी मियाँ की एक जापानीज डिज़ाइनर है, ये उन्हीं का कंपनी है। लेट्स सी इसके बारे में बात करेंगे आगे कि ऐसे इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, इसका और ये कितना वर्सेटाइल है, इसकी लॉन्जेविटी कितनी है, एंड अ लॉट मोर अबाउट इट, वेदर टू परचेज इट और नॉट टू परचेज इट, अबाउट इट्स प्राइजेज, अबाउट इट्स पैकेजिंग एंड ऑल। तो लेट्स कंटिन्यू। तो भाई पहले मैं इसकी बात करूँगी कि इसका जो बॉटल है वो कैसा है। देखिए कुछ इस तरीके का इसका बॉटल है, इसका फ्रंट से ये कुछ इस तरीके से है। इट्स एक्चुअली अ वुडन कैप, ये थोड़ा थिक मतलब थोड़ा थिन है, आगे से बहुत पतला सा है, एंड फ्रॉम बॉटल इट्स थिकर, और ये आगे से कुछ ऐसा है, ग्लास बॉटल है एंड ये वुडन कैप है, और ये कैप कुछ इस तरीके का है, एंड इसका अनमाइजर भी बहुत क्यूट सा है जिस सी। अगर मैं इसके फ्रेगरेंस की बात करूँ तो इसकी फ्रेगरेंस मुझे और परफ्यूम्स के फ्रेगरेंस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लगती है, एंड इट इज़ एक्चुअली इसकी जो फ्रेगरेंस है वो थोड़ी सिट्रस फ्रूट और सावर फ्रेगरेंस है इसकी, एंड एक्चुअली जो इसका फ्रूट है, मेन जो इसमें फ्रूट जो यूज़ हुआ है वो है यूजु फ्रूट, जो कि चाइनीज़ फ्रूट है एक, एंड बट इसमें मस्क भी ऐड है, सैंडल वुड भी है, एंड लोटस एसेंस भी ऐड है, एंड इसमें मस्क भी है। इसमें काफ़ी अच्छे मतलब इन्ग्रीडियंट्स हैं जो कि इसकी स्मेल को सॉरी इसकी फ्रेगरेंस को काफ़ी अच्छा बना देते हैं। मिस्ट की बात करें, जस्ट वांट टू शो यू द मिस्ट, सी बहुत ही अच्छा मिस्ट है इसका, एंड सी मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ हवा आई है, इट्स एक्चुअली अ स्प्रे, प्रॉपर जो स्प्रे होता है ना कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी परफ्यूम्स में हवा होती है। एंड अब हम इसके मिस्ट की बात कर ही रहे हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। पूरा रूम मेरा जो है खुशबू से मतलब भर चुका है, एंड लिटरली देर तक हमारी बॉडी पे स्टे कर सकता है, या फिर हमारे क्लोज पे कितने देर तक स्टे कर सकता है। तो इससे मैंने जो एक्सपीरियंस किया मतलब बॉडी पे स्प्रे करके अपने माई फैमिली मेम्बर एंड उनके क्लोज पे, तो व्हाट आई फील इज कि एक से दो घंटे तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है इसकी। मतलब आप मान लीजिए अचानक से एंटर करते हैं, आपने स्प्रे किया और आप किसी दूसरे रूम में एंटर कर रहे हैं, तो यू विल ग्रैब द अटेंशन ऑफ एवरी वन, लिटरली मैं ये कहूँगी यू विल ग्रैब द अटेंशन ऑफ एवरी वन कि हाँ कोई आया है रूम में अचानक से, मतलब कि पूरा रूम को फिल कर देगा अपने एसेंस से, अपने फ्रेगरेंस से, बहुत ही अच्छा, मतलब इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। इसका मैंने बता ही दिया, इट इज़ समथिंग सिट्रस और बट वेरी स्वीट ऑल्सो एट द सेम टाइम, आई डोंट नो वॉट टू से, बट आई लिटरली लव इट। एंड अब मैं इसे बॉडी पर बात करूँ तो बॉडी पर ये 6 to 7 hours तक मतलब टिक जाता है, और अगर मैं क्लोज पर बात करती हूँ तो क्लोज पर अराउंड ये 10 to 12 hours तक रहता है। इट्स अ डिसेंट टाइम, आई विल नॉट से डिसेंट, इट्स क्वाइट इनफ, बिकॉज इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार। अगर आप मॉर्निंग में इसको यूज़ करते हैं एंड टिल दी मतलब 10 to 12 hours मीन्स हाफ डे, मतलब पूरा एक आधा दिन आपने इसको यूज़ कर लिया है, तो इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कोई ड्यूरेबिलिटी की ज़रूरत है इसको। तो फ्रेगरेंस है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लासी है, और सबसे अच्छी बात आप खुद सोचो ये फर्स्ट टाइम 1994 में यूज़ हुआ था, और उसके बाद अब 2024 आने वाला है, लिटरली आई वांट टू से दैट इट्स 2021 और ये एंडिंग है 2021 की, और ये अभी तक चल रहा है, तो कोई तो रीज़न होगा कि इसी में आके अभी तक भी चल रहा है। सच अ क्लासी और लिटरली एक बहुत ही क्लासिक स्मेल है इसकी, क्लासिक फ्रेगरेंस वाली, इसकी लिटरली बहुत ही क्लासिक फ्रेगरेंस है। एंड आप खुद सोच सकते हैं यार, इतने टाइम से कोई चल रही है चीज़, तो कुछ ना कुछ तो ऑफकोर्स इसमें है ऐसा कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं, और इवन इतने प्राइस रेंज के भी इसको खरीदना लोग चाह रहे हैं। अगर मैं इसकी वर्सेटिलिटी के बारे में बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे जिम में यूज़ कर सकते हैं, ऑफकोर्स इतना स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग है, और जिम में तो आपको ऑफकोर्स की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर कितना स्वेटी होता है, कितना स्मेली हो जाता है कभी कभी, यू आर वॉकिंग फॉर अराउंड एन आवर और मोर देन दैट, तो ये काफ़ी मतलब अच्छा है उसके अकॉर्डिंग, ये पूरे स्मेल को ओवरकम कर देगा अपनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस से। तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ देयर एज वेल एज यू कैन यूज़ इन द ऑफिस ऑल्सो, ऑफिस में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पूरा सुबह से शाम मैंने बताया कि इसकी ड्यूरेबिलिटी अराउंड 10 to 12 hours से, तो मुझे लगता है काफ़ी सही है। और इवन इफ यू आर गोइंग फॉर ऑफिस पार्टी आफ्टर द ऑफिस, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उसके लिए भी, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर एनी फंक्शन और पार्टी, तो फंक्शन पार्टी में तो हमें वैसे भी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस वाले ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ओपन एरिया होता है एंड यू वांट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ एवरीवन, सो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा है। तो ये काफ़ी वर्सेटाइल है, काफ़ी अच्छा है, एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। ओवरऑल द परफॉर्मेंस इज वेरी डिसेंट, वेरी नाइस, एंड इट इज़ लिटरली क्लासिक,
बहुत ही अच्छा है ये परफ्यूम, जस्ट आई जस्ट लिटरली लव इट। तो मैं तो इसे मैं ये नहीं कहूँगी मैं इसे 10/10 दूंगी, बट ऑफ कोर्स आई गिव 9/10 बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेग्रेंस, बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी, सबसे बड़ी बात जो हम चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी परफ्यूम्स जो मार्केट में अवेलेबल है उनकी ड्यूरेबिलिटी 2 घंटे भी नहीं होती है, एंड इट लास्ट अप टू वे लास्ट 10 to 12 hours लिटरली। आप खुद एक यूज़ करके देख लेना, इसका सबसे छोटा पैकेट मैंने लिया था 50 ml, एंड इफ यू विल गो विद 75 ml और 125 ml, दे कॉस्ट अराउंड 5,000 rupees, एंड बट आई वॉन्ट टू से दैट फर्स्ट इन्वेस्ट इन द स्मॉलर पैकेट सो दैट यू कैन एक्चुअली कंपेयर इट विद द फ्रेग्रेंस यू आर यूजिंग राइट नाउ, द परफ्यूम यू आर यूजिंग राइट नाउ, तो आपको बेटर कंपेरिजन हो जाएगा और पता भी लग जाएगा कि यार इस पर कितनी सच्चाई है, एंड बी अवेयर ऑफ द फेक एंड द ड्यूप और द रियल वन। सो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, बाकी प्लीज स्टोर से ही खरीदें, एंड जो कि इनके खुद के ब्रांड के स्टोर होते हैं वहाँ पे मिल जाएगा, बड़ी सिटीज़ में मिल जाता है, अदरवाइज छोटी सिटी में आपको किसी ऐसी साइट से वेबसाइट से मंगवाइए जहाँ से आपको लगता है कि हाँ वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स ही भेजेंगे, क्योंकि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करके इतने महंगे परफ्यूम में आप इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे और कोई आपको ड्यूप भेजेगा और फिर आप कहोगे फिर तो झूठ बोल रही थी, कोई भी 10-12 घंटे नहीं टिकता है, इट्स जस्ट टोटली वर्थलेस। तो ऑथेंटिक वेबसाइट से करिए जिससे कि आपका पैसा भी वेस्ट ना जाए, इतनी मेहनत करके आप पैसा कमाते हैं। तो दैट्स इट फॉर गाइस, बहुत ज़्यादा भाषण दे दिया मैंने अनजान, बट ओवरऑल आई विल रिकमेंड दिस टू 25+, एंड लिटरली आई जस्ट लव द फ्रेग्रेंस, एंड यू कैन गो फॉर इट। होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, नॉट सॉरी सब्सक्राइब द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज आप बेल आइकन हिट नहीं कर रहे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, तो बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, और इसे जितना हो सकता है शेयर करें, प्लीज लाइक जरूर करें क्योंकि मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, एंड थैंक्स, आई एम साइनिंग ऑफ एंड विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, लव द